कि बहन कुमारी मायावती की अगर सरकार बनती है देश के अंदर, तो ऐसा कौन सा कार्य होगा जो आज तक 70 सालों में नहीं हुआ है? दूसरा ये कि बहन कुमारी मायावती को लोग वोट क्यों दें, SC ST OBC और सर्व समाज के लोग, उसके बारे में ये बताएं। देखिएगा, मैंने अपने वार्तालाप में आपसे जिक्र किया है कि माने बहन जी अनुशासन प्रशासन में अव्वल दर्जे की है जी। तो जब अव्वल दर्जे की है तो अब तक इस देश में ये मंदिर मस्जिदों के जो लफड़े चल रहे हैं जी। बहन जी के शासन काल में जब लोगों ने ये कहा था कि जो मथुरा की मस्जिद है जी। उसको भी हम गिराएंगे, शहीद करेंगे जी। तो माँ ने बहन जी ने आदेश किया था कि भाई 7वें किलोमीटर पर आप लोग उनको समझाएगा, उस मस्जिद से 7 किलोमीटर दूर के फासले पर, अच्छा बहन जी ने करा था, या उनको रोकिएगा, उनको समझाएगा, वापस जाएगा। इस काम में कहीं कुछ नहीं आता है। जब वो नहीं मानते हैं और 5वें किलोमीटर तक आ जाते हैं तो फिर उनको आदेश पढ़वा दीजिएगा कि इससे आगे जाना ठीक नहीं है, कानून के खिलाफ होगा और आप पर मुकदमा दर्ज होगा। इतने पर भी जब वो नहीं मानते हैं, 3रे-4थे किलोमीटर पर बन जाते हैं, तो यदि लाठी चार्ज भी करना पड़ता है तो उसमें भी झिझक नहीं होनी चाहिए। और यदि उससे आगे जाते हैं तो फिर जो कानूनी कार्रवाई सूटेबल है एट द स्पॉट उसके लिए आ जाती है। तो वहां पर मथुरा की मस्जिद को तो छोड़ो, मथुरा का नाम भी लेना भूल गए लोग। जैसे अयोध्या वाला कलेश है, उस दौरान जब वो आया फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट का, तब पूरा समाज चिंतित था क्या होगा कैसे होगा, लेकिन धन्य है मान्य बहन जी का प्रशासन के एक भी झगड़ा फसाद नहीं हुआ। तो इस देश में यदि मान्य बहन जी को आप लोग अपने सहयोग से, मीडिया के सहयोग से, मीडिया यदि 2 और 2 4 सच्चाई की बात कहना शुरू कर दे और मान्य बहन जी के सिद्धांतों पर भी उतनी ताकत लगाना शुरू कर दे जितना मोदी साहब के झूठ पर ताकत लगाते हैं फैलाने पर, तो इस देश में एक भी झगड़ा फसाद नहीं होगा। और जब झगड़ा फसाद नहीं होगा तो जो पड़ोसी देश हैं उनसे रिश्ते खराब नहीं होंगे, और जब उनसे रिश्ते खराब नहीं होंगे तो व्यापार आगे बढ़ेगा, और व्यापार जब आगे बढ़ेगा तो देश खुशहाली की तरफ जाएगा। इधर समाज में जब समानता आएगी तो जो ब्राह्मण को कुछ लोग कुछ कुछ बोल देते हैं, हमारा तो कोई द्वेष भाव नहीं है, हमारे नेता का भी कोई द्वेष भाव नहीं है, हमारी पार्टी का भी कोई द्वेष भाव नहीं है, हम तो चुनाव लड़ाते हैं और उनको जिताते भी हैं, हमारे वो साथी लोग हैं, हम वंश परंपरा के लोग हैं। वंश परंपरा कैसे कह दी मैंने, कि भी नेचर में वो भी व्यक्तित्व पैदा हुआ है, हम भी व्यक्तित्व पैदा हुए हैं, तो जब एक ही तरह के हैं तो हम भाई एक ही वंश के लोग हो गए, कि आदमी नाम का जो वंश है उसी के हो गए, तो फिर आदमियों में कभी भी भेदभाव नहीं होगा। जाति विहीन की संरचना हो जाएगी कि यहाँ पर जाति विहीन समाज बना दिया जाएगा, समतामूलक समाज बन जाएगा, और जिन लोगों को आर्थिक आधार पर तंग हैं उनके वो लोग, तो मोदी जी तो बोलते हैं झूठ के सच्चे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। हम वास्तव में ये वादा करते हैं कि माननीय बहन जी के शासन प्रशासन में जैसे पट्टे जिन लोगों ने कब्जा रखे थे उनसे पट्टे छुड़ा करके, जिस आदमी का पट्टा था उसको कब्जा दिलवा करके, आज उसकी आर्थिक स्थिति में खेतीबाड़ी में काम करके फसल पैदा करके उसने अपनी आर्थिक स्थिति कुछ सुधारी है, तो ऐसे पूरे देश में आर्थिक आधार पर जो पिछड़े हुए लोग हैं उनका भी कल्याण हो जाएगा। ये काम अभी तक देश को आजाद होने के बाद आज तक नहीं हुआ है। और जो बहन बेटी हैं, ओहो, जब अनुशासन प्रशासन ठीक होगा, जब मेरा पुलिस वाला ठीक करा होगा, IPS अपनी ड्यूटी पे मुस्तैद होगा, ISDM सब मुस्तैद होंगे, तो देखते हैं कौन इस तरीके से कोई बहन बेटी को बेइज्जत करता है, तो ये सारी जो कुरूतियां हैं ये रुक जाएंगी और अंधविश्वास और पाखंड से निकल करके समाज का कल्याण करते हुए, हित करते हुए, इस देश का चहुंमुखी विकास पूरे संसार भर में, देश जो हमारा भारत देश गुरु माना जाता है, हम सही मायने में गुरु सिद्ध करके दिखाते हैं।